So basically, ये जो है, show me your palm. Okay, don't. Over some dumb day. इसने आज पेपर भी नहीं दिया. इसका प्री बोर्ड था और इसने पेपर नहीं दिया. और सिर्फ वजह ये थी कि इसका ये जो पाँव है, आयशा का कमरा सारा उलट पलट है. सो जी, अब हम जाएंगे और अपने लिए बनाएंगे सैंडविच, क्योंकि मेरी अम्मी जो है वो टेंडे बनाने में मसरूफ़ है. और मेरा सैंडविच कौन बनाएगा अम्मी? बस करें. क्या बनाएंगी अब आप? इसमें क्या है? ये है देसी मुर्गी की यखनी. और ये मैं आज बनाऊंगी गाजर का हलवा. और मेरे अम्मी जो है, क्या कर रही हो अम्मी? क्या कर रही हो, बोलो ना. टेंडे बना रही है अपने लिए बॉयल, क्योंकि इनका यूरिक एसिड ज़्यादा है. और ये जो है, अल्लाह खैर, पूरा ये आप एक दिन में खाएंगी? दो दिन में. गुड. जब मैं नहीं होती हूँ ना घर में, तो ये काम होते हैं. कदर करो गरीबो मेरी, गरीबो. कल हम देख रहे थे चेन्नई एक्सप्रेस ना, तो उसमें जो है शाहरुख खान जो है वो उनको बोलता है गरीबो. तो अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए सैंडविच. इससे मैं बनाऊंगी सीख कबाब. नहीं, सीख कबाब नहीं, मैं अजीम खान भाई के लिए बनाऊंगी कटलेस, चिकन कटलेस. और अम्मी इसमें अच्छे अच्छे वो उसको कर लो, अच्छा ज़्यादा स्पाइसी हो. सही है, बस मेरा स्पाइसी खाने का दिल कर रहा है. इसमें ये सॉस भी डाल दो. जोड़ बाकी चिकन टिक्का मसाला. किचन की हालत बहुत खराब हो गई है. इसको अब बाबा आएंगे तो फिर जो है इसको ठीक करेंगे. And that's me. अब आ रहा है मोहम्मद वॉशरूम से बाहर. इसको मैं देखती हूँ. समझ मखपति था और जमू मखद नखरी के ठीक ठाक पाऊंगे तुम्हारा, और तुम नखरे दिखा रहे हो. ये मुझसे छोटा है. और ये जो है ना, ये ओके, जाओ बस नखरे दिखाओ. कल पेपर है तुम्हारा और तुमने उसको मिस नहीं करना. हाय, वेलकम बैक. तो मैं इधर बना रही हूँ बिरयानी और इधर मैं बना रही हूँ चिकन पोटैटो कटलेट्स. सो स्टे ट्यून्ड. मैंने सिर्फ अपने प्याज टमाटर और थोड़ा सा जीरा डाला है. इसको मैंने पूरी तरह गला लेना है, फिर मैंने चिकन डालना है. और इधर मेरे पोटैटो जो है वो आलू मेरे उबल रहे हैं और कटलेट्स वो बड़े मज़े के बनते हैं. व्हाट आर यू डूइंग हियर? लाइक तुम्हारा पाँव जो है वो क्या हुआ था ज़रा एक्सप्लेन करो, जिसकी वजह से तुमने पेपर नहीं दिया था. और अभी जो है तुम ओके एंकल स्प्रेन, और एंकल स्प्रेन की वजह से तुमने आज पेपर नहीं दिया. एंड यस, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेंढक बने हुए हो. यू डोंट नो यू हैव फोर सेमेस्टर. ओरियली ओरियली ओके कूल. तो अभी ये इसमें मैंने सिर्फ डाले हैं इसमें प्याज टमाटर और चिकन और ये आलू छोटे छोटे काट दिए हैं मैंने. अब इसको मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फिर से मैं मसाले डालूँगी. और ये मेरे हाथ देखें, ये चिकन फ्रीज था तो इसको नो निकालते मेरे हाथ सारे रेड हो गए हैं, सुन हो गए हैं. सो अभी इसको मैं इसमें थोड़ा पकाऊँगी.
इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा ये हॉट चिली सॉस, थोड़ा सा सिरका, कोई 3 चम्मच केचप के, दिखाती हूँ। तो यार देखिए इस तरह हो गया है। अब चूँकि अभी आप देख सकते हो कि ये इसने ऑयल छोड़ दिया है और ये अच्छा सा अच्छे से इसने ये चिकन ने आलू ने सारा जो मसाला है वो जज़ब कर लिया है। तो अभी इसमें मैं डालूँगी पूरा 1 कप पानी, सही है। और अभी मैंने इसको मिक्स करके इसके ऊपर सर रख देना है ताकि ये जो चिकन है और आलू है वो अच्छे से पक जाए। और फिर मैंने इसके बाद जो मेरे चावल है उसको बॉयल करेंगे। अभी बॉयल हो गए हैं तो अभी इसको मैं छान लेती हूँ। सीन ये है कि ये बहुत मज़े से हो गए हैं। मैंने इसके ऊपर से ठंडा पानी थोड़ा गुजार लूँगी ताकि वो आराम से इसके निकल जाए। अच्छा फन फैक्ट मैं बताती हूँ अपने बारे में, मेरे जो माशाल्लाह से इंडियन है वो बहुत गर्म चीज़ भी हो ना तो मैं उससे कर लेती हूँ, क्योंकि जो मेरे सारे जो टेम्परेचर रिसेप्टर्स हैं सेंसर्स हैं वो सारे मेरे यूज़ टू हो गए हैं, जल गए हैं, पता नहीं क्या सीन हुआ है इनके साथ, अडेप्ट हो गए हैं गर्म से। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर अम्मी को दूँगी वो छील देंगी। और साथ में इसका जो कीमा है वो मैं तैयार करूँगी। मेरे पास चिकन है बोनलेस तो उसको मैं ग्राइंड करूँगी, उसके साथ फिर मैं धनिया वगैरह वगैरह डालूँगी जो मैं फिर आगे बताती हूँ कैसे करती हूँ वो। मैं बोर हो रहा हूँ यार तो बस क्या करूँ, मैं मेरे पास भी घर में कुछ भी करने के लिए नहीं होता तो मैंने कहा चलो आज जो है मैं वीडियो बना लेती हूँ। वो मेरी अम्मी जान है वो ऊपर जा रही है, ये जो हमारे पड़ोसी हैं उनके कपड़े हैं क्योंकि धूप बहुत कम होती है, जितनी होती है वो थोड़ा टाइम के लिए। तो ये ड्रामेबाज इसके ड्रामे चेक करें। तो सके मोहम्मद से समथिंग टू माय व्लॉग, बी रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट। व्हाट द हेल वाज दैट? दैट वाज टू माय फैंस। ये जिकी ने ये काम करते हैं ना। इधर देखो जरा, इस तरफ दिखाओ मुझे अपना, इधर देखो ये देखो नखरे नखरे नखरे, अम्मी को देखा है तो अभी इसको पाँव याद आ गया है, ये होते हैं नखरे। आ गया ये इस बंदे का दिल नहीं लगता मेरे बगैर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? द ऑयल ऑफ जैतून और द ऑलिव ऑयल। ये मेरा बेकिंग डिपार्टमेंट। तुम्हारे पास है दिमाग? थोड़ा थोड़ा। शूट, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास दिमाग है क्या? तुमने यार मेरा टेस्ट इतना भी ख़राब नहीं हुआ है कि मैं तुम्हारा दिमाग कहूँ। या नाइस वन। और मैं गाजर का हलवा भी आज बनाऊँगी रात को बाबा के लिए। यही घर में फिर यही काम होता है मेरा। आई लव कुकिंग यार, कुकिंग जो है ना वो मेरी एक थेरेपी है। पता नहीं कम लोगों को समझ आएगा कि किसी की क्या होती है ना, कोई किसी के लड़के वड़के होते हैं क्या होते हैं, मेरे पास सिर्फ मेरी कुकिंग है, मेरा घर है और ये मेरी अम्मी आंटी है। अम्मी जान किसी हो, ये मैं बिरयानी बना रही हूँ। और जी तो अभी जो है ये मेरे चावल बॉयल हो गए हैं और इसको मैंने ज़्यादा बॉयल नहीं किया, थोड़ा सा मैंने इसको सख्त रखा है क्योंकि मैंने इसको दम ज़्यादा देना है। अब इसमें मैं डालूँगी जो नीचे सबसे पहले, मैं देखिए कितने मज़े से इसने मसाला जोड़ दिया। मैं आलू डालूँगी सबसे नीचे लेयर में, क्योंकि आलू जो है मैंने डायरेक्ट इसी तरह कढ़ाई में डाले थे ना, बॉयल नहीं किए थे। ये अभी मतलब पके हुए हैं, देखिए आराम से टूट रहे हैं। तो मैं इसको नीचे लेयर जो है मेरे आलू का होगा, सही है। बस अभी मैं डालूँगी चावल, फिर मैं डालूँगी अदर लेयर, फिर इसी तरह ये चावल। ओके हाय, तो अभी जो है मैं ये बना रही हूँ कटलेट्स। तो इसमें मैंने एक प्याज लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है और
3-4 अदद सब्ज मिर्च लिया है, सही है। इसको मैं करूँगी मैं ग्राइंड। मेरे पास है ये बोनलेस चिकन, तो अभी मैं इसमें ये डालूँगी, सही है। इसमें मैं कुछ मसाले शसाले नहीं यूज़ करूँगी, ये आप देखिएगा मिसालों के बाहर बड़े मज़े का बनता है। सो ये चिकन जाएगा इसमें। जी तो अभी जो है ये मेरा बन गया है, इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा चीज़ डाला है और नमक और थोड़ी सी ये देखिए लाल मिर्च। अभी इसको मैं रख दूँगी कोई लाइक आधा घंटे के लिए, फिर इसकी जो है मैं इस तरह कबाब टाइप बनाऊँगी और यप, तो ये बड़े टेस्टी होता है। और ये मेरी बिरयानी जो है और दम हो गई है, सो बस यप। और शाम हो गई है बाहर, लाइक शाम हो गई है। जी तो फिर मैं आ गई हूँ वापस। अभी मैंने इसको फ्राई करना है, फ्राई इन सेंस ऑफ डीप फ्राई नहीं करना, मैंने थोड़ा सा ऑयल में इसको तलना है। तो ये मेरे पास है ब्रेड क्रम्स, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और इसमें मैं थोड़ा सा ये वैसे काली मिर्च में डालती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास काली मिर्च अवेलेबल नहीं है, तो मैं जो हूँ इसमें थोड़ा सा ये डालूँगी सुरख मिर्च पिसी हुई। इससे ये होता है ना कि इसमें थोड़ा सा ये स्पाइस आ जाएगा। ये बड़े बड़े टुकड़े में हटा दूँगी और ये अभी इसमें मैंने ये इस तरह डाल दिया, सही है। अभी इसको मैं मिक्स करूँगी। ये हो गया है मिक्स। मामा तुर मिर्च दे, ये हो गया है मिक्स। और अभी मैं इसे कबाब बनाऊंगी, इसको इस तरह करूंगी और फिर इसमें डालूंगी। खानक की दवा दी गाजर ही बनाऊंगी, फिर इसको मैं ट्राई करूंगी कि वेरी अच्छा हो, फिर अगर कुछ कमी पेशी हो तो फिर मैं वो कर लूँगी ना, लेकिन पहले मैं एक बनाऊंगी इसमें छकूँगी। मेरा गला जो है वो खराश कर रहा है, पता नहीं क्यों। स्वीट, इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लिया। कैसे बना है? It is good. It is really good. Don't. सबरों को मामा ने माला दिया है। एक ही दिया है, एक ही दिया है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। बहुत अच्छा है। और बनाओ फिर और तारीफ करो। जब मैं कई बार कितना नंबर से जाता हूँ
सो ये थी मेरी बिरयानी और मैंने खाना खा लिया है। हमने खाने में बिल्कुल भूल गई थी शूट करना, तो ये मैं लेकर जा रही हूँ अपने भाई के लिए, उस भाई के लिए और मेरे कज़न है उसके लिए। सो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि बिरयानी कैसी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी, सबने खाई। ये लीची थी और ये तकरीबन ख़त्म हो गई है। सो या दैट वाज अ मिनी व्लॉग। ओके, गुड नाइट।